चांद तारे नहीं चाहिए, स्कूल चाहिए। इस टॉपिक पर आज बात करेंगे, स्कूल्स की बड़ी अच्छी जरूरत है मेरे टाउन में, तो आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसे आप जानते हैं मेरा नाम अब्दुल्ला खान है, आई एम द सीईओ ऑफ अमीर आदमी रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची। यहीं से काम शुरू किया मैंने रियल एस्टेट का, यहीं पे मौजूद हूँ। लेकिन आजकल एक सीरीज शुरू की है जिसमें ना लोगों के रेजिडेंट्स जो अब यहाँ पे आबाद हो चुके हैं हमारे कहने पर, बहरिया के कहने पर यहाँ आए, ट्रस्ट किया, इन्वेस्टमेंट की, पूरी ज़िंदगी यहाँ गुजारने के मुतलाशी हैं, ख्वाहां हैं, उनको कुछ मसले दरपेश हैं। उन मसलों पे बात हो रही है। पहले हमने वीडियो डाली कि जी बहरिया टाउन के अंदर जो बसेज हैं वो चलनी चाहिए, फासला बहुत ज़्यादा है तो बसेज होना ज़रूरी है, ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना ज़रूरी है, वो बस हो, रक्षा हो, जो भी हो। दूसरी वीडियो थी कि ग्रॉसरी स्टोर हर आबाद प्रेसेंट के अंदर होने चाहिए। आप एक टिशू का डब्बा या आप एक पैम्पर लेने के लिए गाड़ी नहीं निकाल सकते, ज़रूरी है आबाद प्रेसेंट के अंदर होने चाहिए। आज की वीडियो है कि स्कूल्स चाहिए यहाँ के रेजिडेंट्स को, बहुत सारे स्कूल्स, हर लेवल के स्कूल्स, हर तरह के कैलिबर के स्कूल्स, हर तरह की फ़ीस वाले स्कूल्स, हर तरह की फैसिलिटी वाले स्कूल्स, बहुत सारे स्कूल्स जिनमें हर किस्म के, हर तबके के बच्चे कॉन्फिडेंटली पढ़ सकें, जा सकें, माँ बाप कॉन्फिडेंट हों उनको वहाँ पर दाखिल करवाते हुए कि जी 6 महीने के बाद इनको निकालना नहीं पड़ेगा, क्या ये खर्चा हम उठा सकेंगे भी या नहीं, और पता नहीं स्कूल का माहौल कैसा है, बच्चे कैसे, वो खैर माँ बाप खुद टेक केयर कर लेंगे, पीछे जाएंगे तो देखेंगे, परसू करेंगे तो। लेकिन बहरिया टाउन की मैनेजमेंट से ये मुद्दबाना गुजारिश है, दरख्वास्त है कि जितने भी स्कूल यहाँ आना चाहते हैं, सस्ते या महंगे, उनको फैसिलिटेट करें, उनको आने दें। क्योंकि मेरे ख्याल है अगर मैं कम भी कहूँ ना, तो कोई 30-40% लोग ऐसे हैं जो शहर से या किसी और शहर से या दूसरी कंट्री से यहाँ नहीं आ रहे सिर्फ अपने बच्चों की तालीम की वजह से। स्कूल और कॉलेजेस चाहिए बहुत ज़्यादा, जितने भी आ सकें आप, मतलब सच बता रहा हूँ, डांसिंग फाउंटेन नहीं चाहिए लोगों को। अगर आप पूछेंगे ना डांसिंग फाउंटेन चाहिए या स्कूल चाहिए, लोग कहेंगे स्कूल चाहिए। अगर आप पूछेंगे चिरपी पार्क चाहिए या स्कूल चाहिए, लोग कहेंगे स्कूल चाहिए। लोग कहेंगे बस सर्विस चाहिए, लोग कहेंगे ग्रोसरी स्टोर चाहिए, चिरपी पार्क बाद में बना लेंगे। अगर आप लोगों से पूछेंगे कि आपको मैं क्या रहेगा, कार्निवल एरिया बना के दूं, नहीं, वो कहेंगे स्कूल बना सकते हैं, पहले स्कूल बना दें, कार्निवल हम बहुत सारी आपने एंटरटेनमेंट की फैसिलिटीज यहाँ पे दे दी है माशाल्लाह, हम उधर चले जाएंगे, स्टेडियम पहले कंप्लीट करेंगे, स्कूल बना दें, स्कूल बना दें पहले, कॉलेज पहले बना दें, समझें। आप चीज़ों को फैंसी फैंसी कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड, वी ऑल आर थैंकफुल फॉर ऑल द थिंग्स जो आपने ऑलरेडी बना दी। लेकिन टीसी करते 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 भी ना एक लेवल आएगा जहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ की तरफ, रोज़मर्रा की चीज़ों की तरफ आना पड़ेगा, एंड दैट इज़ स्कूल, दैट इज़ ग्रॉसरी स्टोर, दैट इज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दैट इज़ इंटरनेट, दैट इज़ दूध की दुकान, बार्बर की दुकान, फलाना फलाना, बहुत सारी। लेकिन इस वीडियो में ख़ास तौर पर सर जी स्कूल चाहिए बहरिया टाउन के रेजिडेंट्स को, बहुत ज़्यादा स्कूल, जिस भी लेवल के स्कूल आए हैं, उस्मान पब्लिक, मुझे कोई कह रहा था कि उस्मान कोई स्कूल है उस तरह के, और अगर कोई वेलफेयर स्कूल भी आ सकते हैं, सब्सिडाइज तालीम देते हैं जो मुफ्त पढ़ाते हैं, प्लीज़ कोई एक आधा स्कूल मुफ्त पढ़ाने वाला। लोग पता नहीं कैसे गुजारे कर रहे हैं, स्वैप कुछ लोग हैं, नहीं, अपनी कमीज उठा के आपको पेट दिखा सकते हैं। इट्स योर ड्यूटी टू प्रोवाइड दीज थिंग्स। आप बहुत खूबसूरत कर रहे हैं सारा कुछ, एतराज नहीं कर रहा किसी बात पे, सजेशंस दे रहा हूँ, मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ लोगों का, और बहुत सारे जो लोग हैं जिनको लोग सुनते देखते हैं उनके थ्रू लोग बात करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कुछ आप तक, और आप सुनते हैं, मुझे मालूम है आपको समझ भी आती है। लेकिन स्कूल्स के मामले में आप नहीं सुन रहे, मैं हैरान हूँ, स्कूल्स के कॉलेजेस के मामले में आप नहीं सुन रहे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनजीओज, स्कूल्स, फ्री, महंगे, अच्छे, बुरे, कॉलेजेस, साइंस कॉलेजेस, आर्ट कॉलेजेस, जो भी, मेडिकल, सब आने चाहिए। एक इकरा यूनिवर्सिटी यहाँ पे है, बट दैट्स यूनिवर्सिटी, स्कूल्स लेवल की चीज़ें चाहिए, और वो इकरा के भी ऑपरेशन बड़े लिमिटेड हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ
कि आप सुनेंगे समझेंगे, और नहीं सुनेंगे समझेंगे तो फिर मैं दोबारा हाजिर हो जाऊंगा, फिर बार 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 बार, जैसे अब बीटीके 2 के बारे में नॉक करेंगे ना लोगों के कान पे, वैसे हम नॉक करेंगे आपके कान पे इन फैसिलिटीज़ के लिए कि बीटीके 2 बनाए, माशाल्लाह वेरी गुड, लेकिन ना यहाँ पर जो नेसेसिटी है, नेसेसिटीज़ हैं बेसिक्स, वो पूरी करना है। अच्छा, इसके अलावा लोगों ने लिखा कि हमें इंटरनेट का मसला है, वो चाहिए हमें। यहाँ पे एक भाई ने लिखा कि चाय वाला होना चाहिए, चाय का ढाबा, परोठे वाला, वो कोयटा होटल, एक कोयटा होटल में तो वो ज़रूरी है, होना चाहिए। उसके बारे में बात करता हूँ मैं, एक वीडियो बनाऊँगा अभी थोड़ी देर में, तो मैं बताता हूँ आपको कि कहाँ पे वो आ सकता है और कैसे आ सकता है। बस आपको जो मसले हैं आप प्लीज़ नीचे लिख सकते हैं, मैं हम कोशिश करते रहेंगे। टिल नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच, और ये प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दीजिएगा जहाँ जहाँ आपको लगता है ना कि बहरिया के मैनेजमेंट के कानों तक ये बात पहुँच सकती है, ये उधर उधर शेयर कर दीजिएगा। सो लेट्स कीप नॉकिंग, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।